कॉफी विद करण एट का पहला एपिसोड आया और तमाम गलत वजहों से चर्चा में है। लोग दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की निर्मम ट्रोलिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में रणवीर सिंह का एक पुराना वीडियो निकाल रहे हैं। ये कॉफी विद करण के ही पुराने सीजन से है। यहाँ रणवीर अनुष्का से अपनी पहली मुलाकात बयां कर रहे हैं। हालिया एपिसोड में करण ने उनसे दीपिका से पहली मुलाकात के बारे में पूछा। मसला ये है कि रणवीर ने दोनों जगह एक लाइन चिपका दी। इंटरनेट के दौर में लोग राष्ट्रगान से बनने वाले फिल्मी गाने पकड़ लाते हैं, फिर ये तो रडार से कैसे ही छूटता। करण जौहर ने रणवीर और दीपिका की मुलाकात के बारे में पूछा। रणवीर ने बताया कि दोनों रामलीला की तैयारी के दौरान मिले थे। आगे वो कहते हैं, रामलीला मुझे और करीना कपूर को लेकर बनाई जानी थी। सेट तैयार था। शूटिंग शुरू होने से एक हफ्ते पहले करीना को किसी वजह से फिल्म छोड़नी पड़ी। हम सोच रहे थे कि किसे कास्ट किया जाए। उसी दौरान कॉकटेल भी आई थी। मैं दीपिका की टीम में था क्योंकि मैंने कॉकटेल देखी थी। दीपिका को कास्ट कर लिया गया। मैं संजय लीला भंसाली से दीपिका से पहले मिलने वाला था। मैं टेबल पर बैठा था। दाएं हाथ पर भारी सा दरवाजा था। वो समुद्र किनारे रहते हैं। भारी से दरवाजे खुले और समुद्र से एक हवा का झोंका बहता हुआ आया और वो यानी दीपिका पादुकोण सफेद चिकनकारी में सामने थी, एकदम सादगी की मूर्त की तरह। अब पीछे चलते हैं। कॉफी विद करण के तीसरे सीजन का 16वां एपिसोड। रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा काउच पर बैठे हैं। करण ने दोनों से एक दूसरे की पहली मुलाकात का वाक्य पूछा। रणवीर ने बताया, मैंने रब ने बना दी जोड़ी देखी और मैं अनुष्का को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। मैं एक मॉडल के साथ था। हम डिनर पर गए और मैं सिर्फ अनुष्का के बारे में ही बात की जा रहा था। बैंड बाजा बारात का ऑडिशन प्रोसेस चल रहा था। मनीष शर्मा ने कहा कि तुम अनुष्का शर्मा के साथ रीडिंग करोगे। वो मुझे YRF की चौथे फ्लोर पर ले गए। मैं वहाँ पहुँचा और दरवाज़ा बहुत भारी था। वो भारी दरवाज़ा खुलता है और उसकी वजह से मेरे चेहरे पर हवा आकर लगती है। मेरे सामने अनुष्का शर्मा बैठी हैं। लोगों ने इन दोनों एपिसोड से हवा वाला हिस्सा उठा लिया। कैसे किसी को स्टार से पहली बार मिलने पर भारी दरवाजा होता है और हवा बहने लगती है। एक यूजर ने रणवीर पर तंज कसते हुए लिखा कि वो इस पीढ़ी के सबसे महान वॉटपैड राइटर हैं। एक यूजर ने लिखा कि लोग इसे सेलिब्रिटीज की लाइफ से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं लेकिन उनकी लाइफ खोखली है। किसी ने लिखा कि एक ही स्क्रिप्ट बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, कम से कम उसे बदल तो लेते। इस पूरे मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। उसके मुताबिक ये शो की पॉपुलैरिटी के लिए किया गया है। अगर ऐसा ही था तो मेकर्स का स्टंट काम कर गया क्योंकि सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान अभी कॉफी विद करण की ही बात कर रहा है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपको कॉफी विद करण कैसा लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना, देख रही ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।